हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन सिक्योरिटी में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिजाइन यानी रेजिग्नेशन लेटर, जिसे हम हिंदी में इस्तीफा पत्र बोलते हैं। इस्तीफा जो देते हैं हमारे कर्मचारी, हमारे कोई भी कंपनी फैक्ट्री कहीं पे भी हमारे अगर एम्प्लॉई कर्मचारी अगर इस्तीफा देते हैं रिजाइन करते हैं तो उसके हम कुछ रूल रेगुलेशन बताने वाले हैं आज हम। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो है जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों हमारा एक सेकंड चैनल हैप्पी बोलो करके, जो कि ऐतिहासिक स्थानों पर वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज हमें वहां पे भी सपोर्ट करें और विजिट करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ग्रेजुएटी पे बात करेंगे और हमारा रिजाइन पे, जिसे रेजिग्नेशन लेटर और इस्तीफा प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो दोस्तों क्या है कि अगर हमारे सिक्योरिटी में या किसी भी कंपनी में फैक्ट्री में कर रहे हैं आप, 6 महीना रेगुलर आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने के बाद जो है आप पीएफ पेंशन का जो है हकदार हो जाते हैं। आप आराम से पीएफ पेंशन उठा सकते हैं 6 महीने के बाद। और दोस्तों अगर ग्रेजुएटी की बात करें तो अगर आप 5 साल अगर आप रेगुलर ड्यूटी आप किसी कंपनी में कर रहे हैं तो आपको वहां के ग्रेजुएटी मिलने का आपको हकदार है। आप वहां पे ग्रेजुएट अगर 5 साल के बाद इस्तीफा देते हैं, आप रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, तो आपको जो ग्रेजुएटी मिलेगा, जैसे कि अभी हमारे SIS में सिक्योरिटी में जो है ये अगर 5 साल कर लेते हैं तो आपको पीएफ और पेंशन दोनों मिलता है और प्लस ग्रेजुएटी मिलता है जो 50,000 से 1,00,000 के बीच में आपको वो ग्रेजुएटी अमाउंट रहता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम 10 साल, जिसे हम पेंशन बोलते हैं। 10 साल अगर आप ड्यूटी करते हैं यानी 9 साल 6 महीना अगर आप रेगुलर ड्यूटी करते हैं, अगर 10 साल आपका क्रॉस हो गया, प्लस हो गया, तो आपका जो पेंशन रहेगा वो पेंशन आप 50 यानी 58 वर्ष के बाद ही निकाल सकते हैं, आपको पेंशन बन जाएगा। अगर आप 10 साल से पहले आप अगर रिजाइन देते हैं, रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, तो आपको आराम से पीएफ प्लस पेंशन और प्लस ग्रेजुएटी निकाल सकते हैं। और पेंशन में जहाँ के बाद अगर 10 साल करते हैं तो वैसे भी कम से कम 1.5-2 लाख रुपए हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो लोअर क्लास के जितने भी लेबर क्लास के बंदा है, छोटी मोटी कर्मचारी है, वो सब के लिए 1.5-2 लाख रुपया बहुत मायने रखते हैं। अगर कहीं छोटी मोटी कंपनी में काम करते हैं, अगर आपको जो अगर 10 साल काम करते हैं 2 लाख 1.5 लाख रुपये अगर पेंशन बनते हैं और आपको वही आप पेंशन बन जाता है 60 साल के बाद आप उठा सकते हैं, वो भी अगर 58 साल के बाद अगर काम नहीं कर रहे हैं तब आपको पेंशन मिलेगा, तो उस पर उतना नहीं जाना है। और हमारे कई सारे दोस्त भाई हमारे जो साथ में किए हैं वो सब जो है 10 साल जिसका हो गया है वो रिजाइन दे करके पीएफ पेंशन निकाल लिया है और प्लस ग्रेजुएटी निकाल दिया है। आप भी अगर हमारे कई सारे मैसेज आए थे जो सर मेरे को जो है रिजाइन देना है और कब देना चाहिए, 10 साल से पहले या 10 साल के बाद ग्रेजुएटी कब मिलता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए सोचे। तो इस पे दोस्तों यही होता है, अगर 10 साल से पहले अगर आप रिजाइन देकर के आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं, अगर आप उसको पेंशन सब चीज निकालना चाहते हैं, पेंशन और जो है पीएफ और ग्रेजुएटी, तो आप 10 साल से पहले रिजाइन दे दीजिए, क्योंकि आप सिक्योरिटी गार्ड पे अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको 10 साल के बाद अगर 45 से 60 दिन में आपको अगर रिजाइन देते हैं तो 45 से 60 दिन के अंदर में आपको ग्रेजुएटी और पीएफ पेंशन सब चीज आप निकाल सकते हैं, जिसे आपको ड्यूटी ऑफ एग्जिट पे वहां पे जो है ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका हर चीज निकल सकता है वहां से, पीएफ पेंशन ग्रेजुएटी हर चीज। तो दोस्तों आप भी जो अगर एज ए सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं, एज ए सुपरवाइजर, तो आप 10 साल होने वाले हैं तो आप चाहो तो निकाल सकते हैं रेजिग्नेशन लेटर दे करके। और आपको हम डिस्क्रिप्शन में सामने में जो है आपको हम वो फॉर्मेट दे देंगे एप्लीकेशन का, जो किस तरह से लिखते हैं रिजाइन लेटर, जो रिजाइन देते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, वो फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सामने में भी दे दूंगा। तो आप जो है उस फॉर्मेट के हिसाब से आप भर लीजिएगा, एप्लीकेशन एक तैयार कर लीजिएगा और अपना आप रीजन दे दीजिएगा जो आप क्यों छोड़ना चाहते हैं उस कंपनी को। और ये रिजाइन देने के बाद आपको 45 दिन से लेकर के 60 दिन के अंदर में आपको जो है टोटल ग्रेजुएटी के साथ पीएफ पेंशन हर चीज दे दिया जाएगा आपको। और जो है जो दोस्तों जैसे कि बता देगा आपका फर्स्ट ग्रेजुएटी बनता है, आपको कम से कम आपको 5 साल ड्यूटी करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये रिजाइन लेटर जिसे हम रेजिग्नेशन लेटर इस्तीफा पत्र बोलते हैं, तो इसका रूल रेगुलेशन होता है ये छोटे मोटे कंपनी में, और ये हमारे सिक्योरिटी कंपनी में भी यही सेम रूल्स लगा रहता है। 10 साल तक में आप जो है अंदर में पीएफ पेंशन निकाल सकते हैं, 10 साल के बाद आप पेंशन निकाल नहीं सकते। दोस्तों मैं अपने हमारे टीम हमारे सिक्योरिटी के से रिलेटिव जो है जितने भी बंदे हैं उस पे हम एक पीएफ पे जो है वीडियो बनाने वाले हैं। पीएफ पे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, सर पीएफ कब निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, कैसे होगा, कैसे केवाईसी होगा, तो उस पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।